आज हम ये लोग आलू बैंगन की सब्जी बना रहे हैं। और ये बैंगन मैं अपने किचन गार्डन से तोड़ के लाई हूँ, बिल्कुल फ्रेश और सॉफ्ट बैंगन है। इसमें मैंने कोई केमिकल कोई फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं किया, सिर्फ अपना जो किचन वेस्ट होता है उससे खाद बना के वो डालती हूँ। तो देखो कितने सॉफ्ट और फ्रेश बिल्कुल बैंगन है ये, और इसका आप देखिए डंठल भी कितना ग्रीन है। तो आज हम ये आलू बैंगन की सब्जी बनाएंगे, बहुत अच्छी बनती है हमारे ऑर्गेनिक बैंगन की सब्जी। तो ये बैंगन हमने हमारे किचन गार्डन में लगाए हुए हैं, ये देखिए कितने कच्चे कच्चे बैंगन हैं। होता है अभी ऐसे एक बैंगन यहाँ पर ये, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही छोटा है ना, ये रहा एक बैंगन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पर ज़रूर पहुँचे। घर के ऑर्गेनिक बैंगन का तो स्वाद ही अलग होता है, जो बिल्कुल ताज़ा बैंगन तोड़ के इनकी सब्जी बनाते हुए खाने में बहुत ज़्यादा स्वाद बनती है। घर के बैंगन देखो एकदम कच्चे कच्चे होते हैं, इनकी सब्जी भी बहुत स्वाद बनती है। एक ही रहा यहाँ पे, छोटा है कुछ ज़्यादा ही। मिर्च है ना बारीक मत काटना, थोड़ी लंबी काटना। लंबी काटूं? ठीक है। जब भी ये सब्जी बनाते हैं तो हमेशा लहसुन प्याज सारी तैयारी ये लोग मुझसे ही करवाते हैं। तेरे को सब्जी तो स्वाद खिलाता हूँ ना। हाँ पर मुझे इनके हाथ की सब्जी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। बच्चों के साथ काम करना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ बैठ जा, देखा जो लहसुन लहसुन कूटेंगे, चल अपन लहसुन कूटेंगे। नहीं नहीं देखो, अदरक कूट रहे, अदरक 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 कूटेंगे। अरे 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 कूट 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 कूटो 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 ऐसे कूटो, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। घर के बैंगन जितने स्वाद बनते हैं ना, बाजार के बैंगन नहीं बनते इतने स्वाद, करना पड़ता है एक एक हाथ से। मसाला इसमें अदरक लहसुन में डालेंगे। हाँ ऐसे अदरक लहसुन को कूट के और फिर उसमें मसाले डाल लो सारे, इसमें धनिया पाउडर। हाँ और फिर उसमें पानी डाल के एक पेस्ट बना लो, इससे सब्जी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। अब इसको अच्छे से मिक्स करके और ताता इसको हम अपने प्याज में डाल देंगे। खुशबू बहुत अच्छी आती है ऐसे मसाला डालते हैं ना, ये तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। एक छोटा पीस दे दो मुझे, इस बिल्कुल इसका भी आधा कर दो। इससे मिर्च काटी थी ना तूने? हाँ नहीं मिर्ची लग जाएगी, मिर्ची फिर रहने दो। अब हम इसमें टमाटर डाल देते हैं। मसाले के साथ नमक डाल दिया? नहीं अब टमाटर डालने के बाद डालता हूँ ना नमक में। ये हमारे घर के मास्टर शेफ हैं। खाना मतलब मुझे पहले से भी आता था बनाना, पर इन्होंने मुझे बहुत सी चीज़ें सिखाई है। वैसे खाना तो बहुत अच्छा बनाती है। हाँ पर मुझे आपके हाथ की सब्जी ज़्यादा अच्छी लगती है। अब ये पकता है फिर इसमें हम बैंगन और दीदी कहाँ है? दीदी कहाँ है? दीदी को बता दो, दीदी कहाँ गई? बता आज तेरी दीदी कहाँ गई बताओ, चलो दीदी कहाँ गई?
पिछली बार बनाए थे तब यार कितने स्वाद सब्जी बनी थी। हाँ तब तो टमाटर भी नहीं थे, बिना टमाटर की बनाई थी तब भी अच्छी बनी थी। यहाँ बैठो। और जैसे घर के बैंगन है ना बिल्कुल फ्रेश, तो इनका डंठल यूज़ करेंगे सब्जी में, इनका टेस्ट अच्छा आता है। क्या चाहिए ये देखो, ये हमें कुछ भी नहीं करने देता, कुछ भी। इसको गोदी चाहिए, और वो भी इसको खड़े होके घुमाओ तब, बैठे बैठे तो ये गोदी में भी नहीं रुकता। क्या चाहिए, पिटाई कर दूं? पिटाई करो, पिटाई। क्या चाहिए? चला अच्छा मैं घुमा के लाऊंगी आज, चला आजा आजा। ये देखो टमाटर हमेशा से मोटे मोटे काट के डालते हैं, और मुझे इनके हाथ की सब्जी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और कई बार तो आप ये देखिए हरी मिर्च भी ये साबर डालते हैं, बस बीच में से एक चीरा लगाते हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। इस मिर्च में ना चीरा लगाने से क्या होता है, मिर्च का जो चरचराहट होता है ना वो पूरी सब्ज़ी में अच्छे से आ जाता है, और ये मिर्चें फिर बहुत ज़्यादा चरचरी नहीं होती, अच्छी लगती है फिर खाने में। वो रुक ही नहीं रहा था तो उसके पापा उसको लेके गए घुमाने के लिए। और मैं आलू का छिलका नहीं उतार रही, मुझे आलू का छिलका अच्छा लगता है। हम कई बार जब भी सब्जी बनाते हैं तो आलू को बिना छिलका उतारे ही डालती हूँ मैं सब्जी में। और अब बैंगन का मैं जो डंठल है ना ये भी यूज़ करूँगी, बिल्कुल फ्रेश है और अच्छा लगता है सब्जी में। ये देखिए कितना सॉफ्ट बैंगन है, बिल्कुल कच्चा। इतने सॉफ्ट बैंगन है, बिल्कुल सॉफ्ट और इतने कच्चे कच्चे। जैसे मक्खन की तरह कट रहे हैं, बिल्कुल इतने सॉफ्ट बैंगन है, जैसे मक्खन काटते ना बिल्कुल सॉफ्ट। ये देखिए कितने कच्चे कच्चे बैंगन है। सूखी बनाऊं या तरी वाली? नहीं तरी बना ले थोड़ी, वैसे भी इसको पकने के लिए चाहिए। हाँ थोड़ी तरी डाल दे इसमें, सारा डाल दे, सारा कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा, सारा डाल दे मेरे को पता है। एक तो चूल्हे पे पका खाना और ऊपर से अपने खुद के किचन गार्डन से तोड़ी हुई सब्जियां, तो इस दिन समझ लो खाने का स्वाद दो गुना बढ़ जाता है। अब ये ढक के पकेगी कम से कम 15-20 मिनट। ये देखो हमारी आलू बैंगन की सब्जी कितनी अच्छी बनी है, और ये लोहे की कढ़ाई की वजह से सब्जी का कलर हमेशा थोड़ा डार्क हो जाता है। कढ़ाई भारी है ना, इस वजह से इसके हैंडल इतने गर्म नहीं होते, आराम से पकड़ सकते हैं।
मुझे चूल्हे की थोड़ी कुरकुरी रोटियां पसंद है, इसलिए मैंने कुरकुरी रोटी बनवाई है। और आज मैं रोटी मिट्टी के तवे पे बना रही हूँ। कभी हम लोहे के तवे पे बनाते हैं, कभी मिट्टी के तवे पे। मिट्टी के तवे पे रोटी थोड़ी कुरकुरी बनती है और अच्छी लगती है। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना।